हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। और दोस्तों, ये जो लोगो आप देख रहे हैं गो थ्रू फाइन आर्ट के, वो आप में से ही किसी एक यूट्यूबर ने बनाए हैं, मेरे लिए बना के वो भेजे हैं। उसका नाम है महेश सिंह। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस लोगो के लिए। आज कल हमने लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़े थे, रेनेसा के जो भी फैक्ट थे उसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो आज हम मिकेल एंजिलो के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने सतीश गुजराल के बारे में बात की थी, जिनकी डेथ हो गई अभी हाल फिलहाल ही। और फिर शंखो चौधरी के मॉडल सेट बनाई हूँ, गुरुचरण सिंह जो कि पॉटर हैं उनके ऊपर मॉडल सेट बनाई हूँ, और DSSB KBS के पुराने पेपर डाल दी हूँ, ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। गीता कपूर विवान सुंदरम के ऊपर वीडियो बनाई हूँ, उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। और ये DSSB PGT के दो एग्ज़ाम होते हैं, एक फाइन आर्ट और एक ड्राइंग टीचर के लिए, तो दोनों का ही वीडियो लोड कर दी हूँ। तो मिकेल एंजिलो जो है हाई रेनेसा के आर्टिस्ट हैं। तो मिकेल एंजिलो के बारे में कुछ फैक्ट्स पहले देख लेंगे। ये देखिए, मिकेल एंजिलो का पोर्ट्रेट बनाया गया है डेनियल के द्वारा। तो उनका बॉन्ड कहाँ हुआ है ये देख लेंगे। इनका पूरा नाम पहले देखिए, मिकेल एंजिलो का पूरा नाम है मिकेल एंजिलो दी लोडोविको बोनारो तीस सिमोनी, और इनका जन्म 6 मार्च 1475 को हुआ है। कहाँ? कैप्रेसे नियर एरेज्जो। तो ज़्यादातर आपको एरेज्जो ही दिया जाएगा ऑप्शन में, या फिर टस्कनी दिया जाएगा ऑप्शन में, या फिर इटली भी दिया जा सकता है, बट ज़्यादातर ऑप्शंस में एरेज्जो या फिर फ्लोरेंस ही देखा जाता है। और इनकी मृत्यु हो गई थी 18 फरवरी 1564 को, तब वो 88 साल के थे। ये किस किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो मिकेल एंजिलो इज नॉन फॉर स्कल्पचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर एंड पोएट्री। इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं जैसे डेविड, पिएता, मोसेस, द लास्ट जजमेंट, सिस्टाइन चैपल, सिनिंग, ये सब की बात मैं इस वीडियो में करूँगी। और इनका सिग्नेचर देख लीजिए, तो टाइटल मीडियम ईयर म्यूजियम सभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस मैं हमेशा ही MCQs में प्रोवाइड करूं, जैसे कि मिकेल एंजिलो का जन्म कहाँ हुआ, तो एरेज्जो या फ्लोरेंस या फ्रांस या फिर नीदरलैंड। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमेशा क्वेश्चंस MCQs में ही हो, या फिर मिकेल एंजिलो के काम का नाम बताएं, उसमें मैं मोनालिसा दे दी, डेविड दे दी, पोर्ट्रेट ऑफ मोनालिसा दे दी, और फिर मान लीजिए एक पेंटिंग का नाम है क्राइस्ट, ये दे दी। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा ही क्वेश्चंस MCQs में बनाऊं, ऐसे भी बनाने से हमें लगता है कि आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। तो मिकेल एंजिलो जो हैं वो भी एक इटालियन आर्टिस्ट हैं। मिकेल एंजिलो वाज आल्सो एन इटालियन आर्टिस्ट। तो पहला काम हम डेविड देख लेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रिनाउंड काम है। तो इनका डेट है 1501 से 1504, और मीडिया में मार्बल, और यह एक स्कल्पचर है। सब्जेक्ट है बाइब्लिकल डेविड, और डायमेंशन आप लोग देख ही रहे हैं, 517 सेंटीमीटर × 199 सेंटीमीटर है। और एक बार ये क्वेश्चंस NTA NET या फिर NTA NET में ही आया था कि डेविड का डायमेंशंस बताना था, तो इसे सेंटीमीटर, मीटर, फीट सब में आप लोग इसे कर लें। और लोकेशन यानी कि कहाँ ये संग्रहित है, तो गैलेरिया डेल एकेडमिया फ्लोरेंस इटली में है। दूसरा काम है बाकस, ये भी डेविड का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। अच्छे से इमेज को देखें, इमेज को रीड करें। बाकस जो है 1496 से 1497 में बनाया गया, और यह भी मार्बल से बनाया गया है। इसका डायमेंशन 230 सेंटीमीटर, और इंच में देख ही रहे 18 इंच। ये कहाँ संग्रहित है? तो म्यूजियो नेजियोनेल देल बारगोलो फ्लोरेंस, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ बारगोलो जो कि फ्लोरेंस में है, वहाँ संग्रहित है। बाकस अपने हैंड में एक बाउल पकड़े हुए हैं, जिसमें वो बाउल, वहाँ पे उनको वाइन की बॉल कहा जाता है, तो वाइन के बॉल पकड़े हुए हैं। और इनका सारा वेट आप लोग देखिए पाँव पे दिया गया है। मिकेल एंजिलो के काम की खासियत ही यही थी कि उनके काम में जो वेट होता था वो पैर पे ही दिखाया जाता था।
तीसरा है पिएता, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पिएता डेविड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है मिकेल एंजिलो का। ये आपका 1498 से 1499 में बन के तैयार हुआ, ये भी मार्बल में बनाया गया है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है जीसस एंड मैरी, मदर ऑफ जीसस। तो नेट में आप लोगों को मालूम है कि आजकल इमेज दे दिया जाता है, तो हो सकता है ये इमेज दे के एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, तो जीसस एंड मैरी मदर ऑफ जीसस। डायमेंशन आप लोग देख ही रहे हैं, मैं लोकेशन मेंशन कर देती हूँ, संत पीटर बेसिलिका जो कि वेटिकन सिटी में है वहीं पर ये संग्रहित है। डायमेंशन को आप लोग सेंटीमीटर और इंच में देख के जरूर जाएं। फोर नंबर, तीन काम देख चुके हैं, चौथा काम देखेंगे। चौथा काम है मोसेस ऑफ मिकेलएंजेलो। मोसेस ऑफ मिकेलएंजेलो की खास बात यह है कि ये एक कमीशन दिया गया था और इस कमीशन को बनाया गया था और इनके बहुत सारे डिटेल इमेज हैं, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ गूगल पे जाके इन्हें सर्च करें, मिकेलएंजेलो का मोसेस ऑफ मिकेलएंजेलो। तो ये 1513 से 1515 में बन के तैयार हुआ, यह भी मार्बल में बना हुआ है और ये रेनेसा मूवमेंट का, ये तो खैर मैं पहले ही आप लोग को मेंशन कर दी थी। इसका भी सब्जेक्ट बिब्लिकल मोसेस है और इसका डायमेंशन है 235 सेंटीमीटर इंटू 210 सेंटीमीटर। इसका लोकेशन है सैन पियत्रो इन विनकोली जो कि रोम में है। ये मोसेस ऑफ मिकेलएंजेलो में आप लोग देखिए कितने ध्यान से ये एक डायरी होल्ड किए हुए हैं और इनकी देखिए मोसेस जो है कितनी लंबी है, इसलिए इसका नाम मोसेस ऑफ मिकेलएंजेलो रखा गया। नेक्स्ट काम है द लास्ट जजमेंट जो है एक फ्रेस्को है और फ्रेस्को वॉल पे होता है, ये तो आप लोग को मालूम है। तो इसका ईयर है 1536 से 1541 और डायमेंशन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 13.7 मीटर इंटू 12 मीटर है। ये उसी का पार्ट है, जूम पार्ट करके दिखाई हूँ। और द लास्ट जजमेंट कहाँ संग्रहित है, तो सिस्टाइन चैपल वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी में संग्रहित है, इसका लोकेशन है। तो देखिए कितना माइन्यूट डिटेल आप लोग देख सकते हैं और कितनी बारीकी से काम किया गया है, बहुत सारे फिगर को दिखाया गया है, एनोनिमस फिगर्स हैं। नेक्स्ट वर्क की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है सिस्टाइन चैपल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है मिकेलएंजेलो का और यह भी एक फ्रेस्को है। अभी जो आप पहले काम देख रहे थे द लास्ट जजमेंट भी सिस्टाइन चैपल का ही एक पार्ट है। बहुत सारे सीरीज इसमें दिखाया गया, जैसे कि द क्रिएशन ऑफ ईव, फॉलन एक्सपल्सन, तो पूरे बहुत सारे चीज़ों का मिश्रण है, बहुत सारे चीज़ों को दिखाया गया है एक ही पेंटिंग में। इसका एग्जीक्यूशन यानी कि ईयर है 1512, फ्रेस्को है, वॉल पे किया गया है, डायमेंशन है 280 सेंटीमीटर इंटू 570 सेंटीमीटर और फिट में है 9 फीट 2 इंच इंटू 18 फीट 8 इंच। तो हो सकता है कि मिकेलएंजेलो का सिस्टाइन चैपल दे दे, क्योंकि सिस्टाइन चैपल से बहुत सारी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाए। एनटीए नेट में देख ही रहे हैं कि आजकल इमेज को इंक्लूड किया जा रहा है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।